जब आपके पार्टनर के ऊपर शक होता है तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई और अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। कभी सारे पेशेंट्स लोग आते हैं और स्पेशली लेडीज आती है और वो ऐसा बोलते हैं कि मेरा डाउट है मेरे हस्बैंड के ऊपर। फिर चर्चा में मालूम पड़ता है कि भाई उसका पार्टनर जो है वो आजकल उसको इग्नोर कर रहा है, ऐसा उसको लगता है, बातचीत कम कर रहा है, फिर ज़्यादा समय व्हाट्सएप के ऊपर है या ज़्यादा समय ऑनलाइन पे है या ज़्यादा समय फेसबुक के ऊपर है या फिर फ़ोन पे ज़्यादा रहता है या कुछ मैसेजेस ऐसा दिखता है कि कुछ डाउटफुल मैसेजेस हैं ऐसा वो पत्नी को दिखता है या वो बॉयफ्रेंड को भी, मतलब बॉयफ्रेंड भी जब शकीला हो जाता है अपने गर्लफ्रेंड के बारे में तो भी ये मतलब वो सेम अप्लीकेबल टू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पत्नी और पति के बारे में। तो फिर वो उसको लगता है कि भाई ये बॉयफ्रेंड जो है वो मेरे इसमें इंटरेस्टेड नहीं, ऐसा लड़के को भी लगता है। तो फिर हो सकता है कि वो पत्नी ने अपने पार्टनर को कोई लड़की के साथ में या कोई औरत के साथ में बातचीत करते हुए कोई फंक्शन में देखा होगा या बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप में देखा होगा या उसको कोई व्हाट्सएप मैसेज आया होगा या ऐसा कुछ तो भी उसको दिखा। क्या होता है कि वैसी ही पत्नियां, अभी ये मतलब विद केयरफुल मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, पत्नियां कब जब वो घर में खाली बैठी हुई है, ब्रॉड माइंडेड नहीं है, ऐसी लड़कियां या ऐसी पत्नियां, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, कि वो शकीले स्वभाव की होती है और पहले से ही शकीला स्वभाव है फिर तो बहुत ही प्रॉब्लम है। तो फिर वो घर में बैठी हुई है, पहले से ही शकीला स्वभाव है और फिर उसमें यदि ये हरकतें दिखी कि आजकल मुझे इग्नोर कर रहा है, घर में लेट आ रहा है, ख्याल नहीं दे रहा है या ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहा है या फिर सेक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं बता रहा, ऐसा कुछ भी उसको दिखा थोड़ा सा भी तो उसको शक आना चालू करता है कि इसका कुछ तो भी बाहर होगा। फिर पत्नी भी इरिटेट हो जाती है या गर्लफ्रेंड भी इरिटेट हो जाती है कि इसका कुछ तो भी और होगा लफड़ा। फिर उसमें क्या होता है, फिर वो इरिटेट होने के बाद में छोटी बात के ऊपर झगड़ा, फिर झगड़ा होने से क्या होता है, फिर और इरिटेशन, फिर वो आदमी को ऐसा लगता है कि मैं कुछ तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी मेरा बाहर नहीं है और ये ऐसा क्यों शक करती है और मेरे ऊपर क्यों ऐसा शकीला मतलब स्वभाव करके मेरे ऊपर शक करती है, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा समझो उसको लगता है उसका कुछ भी नहीं है और वो पत्नी को शक आ रहा है। फिर वो क्या करता है, फिर और वो बाहर रहना चालू करता है, घर में जाके झंझट नहीं होना भाई, खटखट नहीं होना, क्या झगड़े, शक, फिर गुस्सा, जान दो घर में जाने का। अब वो जब बाहर रहता है तो फिर उसको और डाउट आता है कि अरे ये तो आजकल और लेट आ रहा है, क्योंकि झगड़ा टालने के लिए वो फिर और लेट आता है, फिर ऐसे इसमें संबंध और ज़्यादा खराब हो जाते हैं। तो मेरा सभी लेडीज़ को या पत्नियों को या गर्लफ्रेंड को मतलब एक ऐसा कुछ सूचनाएं हैं कि वो यदि वो अपनाते हैं तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहले ये देखना चाहिए पत्नियों ने कि भाई ये सच्ची है क्या, कि मेरा डाउट है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो डाउट रहता है, उनके पास में ऐसा कोई प्रूफ नहीं रहता, मगर शकीला स्वभाव पहले से है और ऐसी कुछ तो भी हरकत हो गई थी, फिर उसका डाउट और पक्का हो जाता है। तो मैं उनको पूछता हूँ कि आपको डाउट है कि सत्य है ये, नहीं बोले मैंने देखा नहीं पर मुझे ऐसा डाउट लगता है, तो पहले आपको रैशनल थिंकिंग करना पड़ेगा कि भाई ये मेरा डाउट है, मैंने कभी पकड़ा नहीं, मैंने कभी देखा नहीं। हाँ कभी ऐसी फ्रेंडली बात करना कोई लेडी के साथ में, कोई प्रोग्राम में जाते, रिसेप्शन में जाते, वहाँ बात करना या किसका व्हाट्सएप मैसेज आना, वो बात अलग है, वो कोई मतलब ऐसी हरकतें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेडीज ने क्या करना चाहिए कि भाई अपने पार्टनर को कुछ बोलना नहीं चाहिए इसके बारे में, टोकना नहीं चाहिए, अपना डाउट है अपने पास में रखो। तो पहला है कि कुछ उसके बारे में बात ही नहीं करना। नंबर दो, क्योंकि आप जितनी बातें करेंगे जितना झगड़ा हो जाएगा, फिर गाली निकलेंगी, फिर और आपको क्या करना है, कुछ बोलना ही नहीं है, एकदम नॉर्मल व्यवहार करने का है, एकदम नॉर्मल व्यवहार। आपको उनका दिल जीतना है, क्योंकि आप यदि झगड़ा करेंगे, कुछ उल्टा पुल्टा बोल देंगे, एक्चुअली है नहीं कुछ, और फिर आप डाउट करेंगे तो वो तो भाग जाता है कि भाई ये तो मेरा कुछ भी नहीं है, फालतू बना ऐसा कर रही है, झगड़ा कर रही है। तो फिर एकदम नॉर्मल व्यवहार करना, कभी भी आता है तो प्यार से बात करो, गुस्सा बिल्कुल नहीं करने का, और हरदम प्यार से बात करके, आपको डाउट है ना, आप प्यार से बात करो, आप जितना नॉर्मल व्यवहार कर सकते हो उतना नॉर्मल व्यवहार, उसको टाइम दो, उसको स्पेस दो, पता नहीं उसके बिजनेस में क्या हो रहा है, पता नहीं उसके सर्विस यदि करता हूँ तो उसमें क्या हो रहा है, उसको कितना टेंशन है, शायद वो घर में बोलता नहीं होगा, पता नहीं और वो कहाँ फंसा हुआ है, क्या मतलब क्या डील कर रहा है आपको मालूम ही नहीं है, आपको उसने बताया ही नहीं है और इसलिए आपको बोलते हैं उल्टा पुल्टा शक आ रहा है।
हो सकता है कि कोई गलत, सच्ची कोई गलत जगह पे फंसा हुआ है, वो चाहता नहीं है कि वो रिलेशनशिप बाहर रखे, मगर अभी सामने वाली औरत ने उसको ब्लैकमेल करके रखा हुआ है। एक आधी बार कुछ तो भी हो गया, गलती से एक आधा फोटो निकल गया, फोटो शेयर कर दिया, कुछ तो भी ऐसा हो गया कि जो बहुत ही एबनॉर्मल नहीं था, मगर अभी उसका कैपिटल करके वो सामने वाली कोई लेडी उसको सता रही है क्या, या ब्लैकमेल कर रही है क्या। मतलब उनको, आपको ये देखना चाहिए कि भाई आपने उसको अच्छा स्पेस देना चाहिए, अच्छा टाइम देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, सब खान पान बराबर देखना चाहिए, और हदम ये देखना है कि मेरा शक शक है कि वास्तव है। और यदि आप इस तरह से उस तरफ देखते हो तो आपको पता चलेगा कि भाई ये सिर्फ शक है, और यदि आपको लगता है कि नहीं ये वास्तव है, एक्चुअली हो रहा है बाहर, तभी भी यही करना है जो भी मैंने बताया, झगड़ा नहीं, प्यार से बातचीत जो भी करना है, क्योंकि झगड़ा यदि करेंगे उसके ऊपर डाउट करेंगे तो और वो टूट जाएगा आपसे और वो बाहर जाएगा। तो इसलिए आपने स्पेस देना है, आपने झगड़ा करने का नहीं, प्यार से बात करने का है, क्योंकि बाहर भी वो कोई चाहता नहीं है कि ऐसे रिलेशनशिप रखे, पता नहीं उसकी मजबूरी होंगी, पता नहीं और कुछ होगा, पता नहीं क्या हो रहा है, तो उसको वहां से तोड़ना है तो आपको शांति से ही लेना पड़ेगा, प्यार से ही लेना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और उसको जब मालूम पड़ेगा कि नहीं, घर में जो मिलता है, घर में जो प्यार है वो बाहर नहीं मिलता है, तो फिर वो धीरे 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 बाहर से टूट जाएगा। आप झगड़ा करोगे, क्योंकि झगड़ा करके होता तो कुछ भी नहीं, सच्ची है बाहर तो कुछ होगा नहीं है, होने वाला है भी नहीं है, तो ये सब प्यार से ही होगा। रिलेशनशिप मेंटेन रखो, दिमाग शांत रखो, स्पेस दो, एकदम नॉर्मल व्यवहार, गुस्सा बिल्कुल नहीं, चिड़चिड़ापन नहीं, जैसा चला वैसा चलने दो। आप यदि आपका स्टैंड है कि नहीं ये मेरे तरफ बाद में फिर से आ जाएगा, मेरे तरफ आकर्षित हो जाएगा, ये घर में वापस आएगा, तो डेफिनेटली वो आएगा, पक्का आएगा, मगर आपने वो स्टैंड कायम रखना चाहिए कि मेरे तरफ वापस आए, तो ये आप करते हैं तो डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप फिर से अच्छी हो जाएगी। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी लेडीज को ये शेयर करो, ताकि उनके जीवन में जो जो मतलब जो भी कुछ चल रहा है उसमें उनको कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। थैंक यू वेरी मच।